आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और आज वे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और यहां पर बैठे हुए हम सब लोग तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अब यहां पर वाइस चांसलर साहब ने कार्यक्रम का आयोजन किया और ये जो लॉन है उसकी याद ताजा हो गई। मैं 1966 में मैट्रिक पास करने के बाद साइंस कॉलेज में ही प्री साइंस की पढ़ाई करने आया था और इस कॉलेज के बारे में तो आम लोगों के बीच में ही चर्चा होती थी कि साइंस कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। और उस समय जो भी मैट्रिक पास करता था उसका और उसके माता पिता या उसके जो भी परिजन थे उनकी एक ही आकांक्षा होती थी, अगर उसने साइंस से पास किया है तो लोगों की अभिलाषा होती थी कि साइंस कॉलेज पटना में उसका नाम लिखा जाए, एडमिशन हो जाए, और अगर आर्ट्स में पढ़ा है तो पटना कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। और यही एक एस्पिरेशन होता है, हम सब लोगों का एस्पिरेशन था कि साइंस कॉलेज में पढ़ लें, पटना यूनिवर्सिटी में चले जाएं। और उसमें बेहद प्रसन्नता हुई कि साइंस कॉलेज में नामांकन हुआ और प्री साइंस की पढ़ाई यहीं हमने पूरी की। और इसके ठीक बगल में सटा हुआ है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें फिर नामांकन हुआ, वहीं हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े। और साइंस कॉलेज से मेरे मन में यह आकर्षण था कि मेरी इच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि इंजीनियरिंग पढ़े। तो जब वहां एडमिशन हुआ तो 7 दिन तक यहां बीएससी पार्ट वन में तो एडमिट थे ही, यहां इसके बाद वहां एडमिशन हो गया था, तो इच्छा ही नहीं करती थी कि यहां से हम वहां जाएं, लेकिन अंतोगत्वा वही नामांकन हुआ था तो वहां जाना पड़ा। वहीं से ठीक ही कहा, इसकी इसकी तो इतनी शोहरत थी और इस देश का 7वां विश्वविद्यालय, इतना पुराना विश्वविद्यालय है ये, और इसका कितना नाम था। और जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार उड़ीसा एक प्रांत बना, पटना उसकी राजधानी बनी, और उसी समय ये मांग उठने लगी थी कि पटना में भी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, पटना विश्वविद्यालय होना चाहिए। और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना और 1917 का साल तो अद्भुत है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई और 1917 में ही बापू बिहार आए और चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो जो 1917 का साल है हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का वर्ष है, इसलिए हम लोगों को खुशी है कि पहली बार पटना विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री आए। पता चला कि यहां नेहरू जी को आना था लेकिन आ नहीं सके थे, और एक बार आए भी तो दरभंगा हाउस में गए, वो कोई पटना विश्वविद्यालय का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। पीएम तो ने तो समय दे दिया था पिछले वर्ष ही, जब शताब्दी की शुरुआत हुई थी उसी समय कार्यक्रम आयोजित करना करने का विचार पटना विश्वविद्यालय का था। और एक तरह से सैद्धांतिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सहमति दी थी, इसी साल, पिछले वर्ष नहीं, आप पिछले इसी वर्ष जनवरी में जब ये प्रकाश पर्व के अवसर पर आने वाले थे
लेकिन प्रकाश पर्व का अपना महत्व था। 350वां प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया था, तो उसको देखते हुए यह हुआ कि पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में अलग से पीएम आएंगे। और हम सब लोगों के को खुशी है कि आज आपने समय दिया और यहां उपस्थित हुए। अब सबकी कितनी बड़ी भूमिका, जेपी यहीं से निकले, दिनकर जी यहीं से पढ़े और इस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए जो लोग थे उसमें से तो दो दो भारत के चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल बने, मंत्रीगण तो केंद्र में बहुत बने, लेकिन अगर अधिकारियों की सूची देखिएगा तो आजाद भारत में सूची देखिएगा तो बिहार से पटना विश्वविद्यालय से पास किए हुए लोग आईएएस आईपीएस और आईएफएस में सब में आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे। यहां से तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय तो 22-23 लोगों का यूपीएससी में कंपीट करना तो साधारण बात थी। तो इसका पूरा संबंध मेरिट से रहा है और आज आप आ चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो लोगों के मन में पूरी आकांक्षा जग गई। हर बिहारवासी के मन में आकांक्षा है, लेकिन जिसका भी पटना विश्वविद्यालय से सरोकार है वो आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भाई हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। अब आप देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं चाहता। और पटना विश्वविद्यालय में गुणवत्ता का प्रश्न हो, विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता हो, इन सब चीजों को देखते हुए और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ, बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना। इसलिए मुझे, और पटना विश्वविद्यालय जब बना था तो हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब पटना विश्वविद्यालय बना था तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही बिल आया था और वहीं से पारित हुआ था, यानी केंद्र से ही पारित हुआ था। आज तो वो संसद कहलाता है लेकिन उस समय अंग्रेजों के जमाने में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी देश की, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी में एक्ट बना और पटना विश्वविद्यालय का गठन हुआ। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्ना साहब, मौलाना मदरुल हक साहब, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो मुझे पूरा भरोसा है जब देश के पहले प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं 100 साल पूरा होने पर और 2017 में, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम सब लोग जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा पहल की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा आपके कार्यकाल में और ज्यादा पहल हो रही है,
शिक्षा की गुणवत्ता पर। और सबसे बड़ी बात है, जब समाज शिक्षित नहीं होगा तो हम सही मायने में विकसित नहीं हो सकते। और यही नहीं, जब बापू आए थे चंपारण सत्याग्रह में, न सिर्फ नीलों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को जगा दिया, लोगों के मन से डर निकाल दिया और उन पर जो अत्याचार होते थे उससे संबंधित कानून बदले गए, चंपारण एग्रेरियन लॉ बना, लेकिन साथ साथ बापू पूरे चंपारण में घूमते रहे और लोगों को इस बात का के लिए तैयार करते रहे कि स्वच्छता पर ध्यान दो। और आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम है स्वच्छता, और आपने स्वच्छता को इतनी अहमियत दी है कि आपने उसका नाम स्वच्छाग्रह भी कहा। हम सब इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। उस स्वच्छता की बात बापू ने की चंपारण में, शिक्षा की बात बापू ने की चंपारण में, और वहां कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने 6 स्कूलों की स्थापना की थी, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति कोई जागृति नहीं थी, तो सब जागृति भी लाई। सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, बल्कि इसके साथ साथ बापू का यह संदेश था। और यही नहीं, छुआछूत और जात पात के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने संदेश दिया था। तो यह जो अविस्मरणीय क्षण है, 2017 में 1917 के 100 साल के बाद आपका पदार्पण हुआ है, तो इस उपलक्ष्य में अगर पटना विश्वविद्यालय, जो अपने काम के बदौलत अपने मेरिट पर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, आज कम से कम आपकी मदद से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको रुतबा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया है और यहाँ के बाद आप मोकामा में चल के, इसी पटना जिला में है टाल क्षेत्र में, वहाँ से अनेक आपने बिहार को जो तोहफा दिया है उसका आप कार्य आरंभ करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले। और आज मैं हृदय से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे और उन्होंने मुझको कहा कि आप लोगों ने म्यूजियम बनाया है, क्या मैं पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के बाद उस म्यूजियम को देख सकता हूं? हमने कहा हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी। तो आप जाइएगा जो बिहार संग्रहालय बना है, अरे बिहार तो भूमि है आप सबको मालूम, ज्ञान की भूमि, भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ, इसी बिहार की धरती पर, भगवान महावीर का जन्म यहीं, ज्ञान की प्राप्ति यहीं, निर्वाण यहीं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना यहीं की, आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य प्रदान किया, वह यही धरती है। तो बिहार का जो अतीत है, गौरवशाली अतीत, और उसको ध्यान में रखते हुए जो संग्रहालय है उसका भी आप निरीक्षण करेंगे, आपका हमें जरूर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, तो इसके लिए भी मैं अपनी प्रसन्नता का इजहार करता हूं और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जितने यहां लोग बैठे हैं, शिक्षक, छात्र छात्राएं, पूर्ववर्ती लोग, सभी अल्यूमिनाई लोग, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सबका मैं अभिनंदन करते हुए वाइस चांसलर साहब को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। ये पटना यूनिवर्सिटी से ही ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे और अभी हाल में इन्होंने ज्योग्राफी के कार्यक्रम में मुझको बुलाया, तो ज्योग्राफी का, भूगोल का जो अपना महत्व है और बिहार की भूमिका है, समतल जमीन है बिहार, दुनिया के चंद इलाकों में ही इतनी समतल जमीन है, यूपी में भी है, कई जगहों पर है, लेकिन इतनी समतल जमीन भी है। तो भूगोल के विद्वान आज हमारे वाइस चांसलर हैं और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भी यही दिखाई पड़ रहे हैं, अशोक चौधरी जी आप यहां दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पता नहीं आपको निकाल उकाल न दिया जाए साहब। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार,
जय पटना विश्वविद्यालय।